वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है आज मेरे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बनाने जा रहे हैं एक मेकअप वीडियो जो मैं आज शूट करूँगी। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी बेसिक सा मेकअप जो हम फटाफट से कर कहीं पे भी जा सकते हैं, लाइक हमारे डेली मेकअप में हम इसको कवर कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो उस टाइम पर हम मेकअप को अप्लाई कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए फटाफट से हम करते हैं मेकअप शुरू। और मेकअप वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग दोबारा देख रहे हैं वो लोग भी एक बार चेक कर लीजिए। अगर उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाकर के बेल आइकन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। अब हम चलते हैं, हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यार अभी मैं आ गई हूँ अपना फेस वॉश कर एंड मैंने उसको जस्ट सिर्फ ड्राई करा है अपनी टाल के यूज़ से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फटाफट से मेकअप। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये है मेरा डेली मेकअप। मैं अभी काम के लिए जा रही हूँ, मेरे या नॉर्मल से कहीं मार्केट तक जा रही हूँ, मैं क्विक मेकअप करती हूँ। मैं आपको फटाफट से वो बता देती हूँ। कभी भी जब मैं मेकअप करती हूँ मैं स्टार्ट करती हूँ हमेशा अपने स्किन केयर रूटीन के साथ। फॉर स्किन केयर रूटीन मैं यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ का फेस सीरम। बहुत ही इफेक्टिव है, मतलब मुझे मेरी स्किन पे बहुत मुझे सूट करा। या मैं ये सीरम यूज़ कर रही हूँ। तो ये सीरम मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने स्किन पे लगा लिया है। अब हम लगाएंगे हमारे स्किन पे मॉइस्चराइजर। अभी मैं एक्चुअली मॉइस्चराइजर की जगह पर अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन। ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ की सनस्क्रीन, बिकॉज ये जो सनस्क्रीन है बहुत मॉइस्ट भी है और इफेक्टिव रहेगी सनस्क्रीन, बिकॉज अभी समर्स भी हैं और मैं भी जा रही हूँ डे टाइम में। अभी हमने लगा ली हमारी ये सनस्क्रीन, ठीक है। एंड अब मैं सनस्क्रीन लगाने के बाद हम 2 मिनट लिए इसको छोड़ देंगे, एंड बाय जब तक ये हमारे स्किन में सेटल हो रहा है मॉइस्चराइजर और सीरम, तब तक हम ले लेते हैं हमारा प्राइमर। प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ ऑयल कंट्रोल प्राइमर, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ही ऑयली है। मैंने बस थोड़ा सा ही प्राइमर लिया है। जब तक हमारा प्राइमर हमारी स्किन पे सेट होगा हम लेते हैं हमारा फाउंडेशन। मैंने बहुत ज्यादा एरिया में कवर करा है फाउंडेशन, बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अप्लाई नहीं करा है। एंड जब भी मैं फाउंडेशन आप परचेज कर रहे हो ना गाइस, आई वुड सजेस्ट यू टू परचेज 1 शेड लाइटर और द सिमिलर कलर, बिकॉज जब हम बहुत ज्यादा लाइट शेड परचेज करते हैं वो हमारे फेस पे बहुत ही अलग दिखता है। मेकअप प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज करती हूँ, वो चीज मैं सेम नेक पे भी यूज करती हूँ। ये हो गया हमारा फाउंडेशन तक के सारी चीजें डन। आफ्टर फाउंडेशन अब हम अप्लाई करेंगे हमारा लूज पाउडर। लूज पाउडर मैं अप्लाई करती हूँ जो मैंने बेस रेडी करा है मेरा मेकअप का, उसे क्लोज करने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा ही डार्क स्पॉट्स वगैरह नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती डेली मेकअप में, लाइक कंसीलर और ब्रॉन्जर वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करती। मैं नॉर्मल नेचुरल लुक देने के लिए बस सिर्फ अपनी ही स्किन कलर का, अपनी ही स्किन टोन से मैचिंग एक फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। वो मैं कर चुकी हूँ। देन मैंने हमारे बेस को क्लोज अच्छे से मतलब पैक कर दिया मैंने इसको लूज पाउडर की हेल्प से। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग कि मैं क्या मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, मैं कैसे कौन सी चीज़ अप्लाई कर रही हूँ, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। मैं आपको आप लोग जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और निकाल दूँ।
मैं बहुत ज़्यादा आईब्रो को नहीं कर रही हूँ। नाउ इट कम्स टू हाईलाइटर, सो हाईलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी ही स्किन कलर का। सो अब हमारी लास्ट चीज़ बची है वो है ये लिपस्टिक। नाउ नेक्स्ट लेफ्ट इज द आईलाइनर। अब एक सेकंड में आप देखेंगे नया सा लुक। सो आई होप आज का आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। एंड अगर और कोई सजेशन्स हो कि मैं कौन सी वीडियोस बना सकती हूँ कौन, या फिर कोई भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियो, सो मैं उस पर भी फटाफट से वीडियो बना दूँगी। ओके, बाय बाय।